सफलता का पहला नियम ही ये होता है कि सही काल पर कार्य का आरंभ करना, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन का पर्पस है ना, पर कल्याण, स्व कल्याण, उस कल्याण के लिए काल का भी बहुत ही योगदान है। बड़े से बड़ा परिश्रम लिया जाए लेकिन यदि उसको आरंभ करने का काल सही नहीं, समय सही नहीं, तो परिश्रम रिजल्ट्स इन जीरो। ये सुनो, वो किसान जो होता है बीज डालता है, सर्दियों में बीज डाल दे, पूरा हल जोत ले, बीज डाल ले, सब कुछ करे उसके लिए, जितना भी उसको पुरुषार्थ परिश्रम करना है, लेकिन चूंकि उसने सर्दियों में बीज डाले हैं, उसके परिश्रम का कोई भी लाभ नहीं है। एक उचित यथार्थ समय होता है जब बीज डलने चाहिए, जब धरती कोमल हो, वर्षा से एकदम स्वच्छ हो गई हो, तब यदि कोई किसान बीज डालता है और उसके बाद उसका पोषण करता है तो उसकी जो हार्वेस्ट है वो एकदम राइट होगी। इसलिए सफलता का पहला सूत्र ही है कि सही काल में कार्य को शुरू किया जाए, और सही समय में, सही काल में कार्य, कौन सा कार्य? स्व कल्याण। पर कल्याण तो किसी भी समय में हो सकता है। स्व कल्याण का काम यदि सही समय में किया जाता है तो ऑब्वियसली, अनिवार्य रूप से यही स्व कल्याण जो तुम साल के 8 महीने में जितना उसका रिजल्ट पाओगे, उससे कई 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 गुना ज्यादा रिजल्ट तुम्हारा इन 4 महीने में किए हुए कार्य का आएगा। राजा अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि यदि साल के 12 महीने में से 4 महीने निकाल दिए जाए तो कितने महीने बचेंगे। भाई बीरबल था इसलिए उसने कहा एक भी नहीं, एक भी नहीं। सारे सभासद हंसने लग गए, सारे कोर्टियर्स हंसने लग गए, अरे 12 महीने में से 4 महीने निकाल गए तो जैसा पल्लवी प्रभु आप कह रही है 8 महीने, उन्होंने भी ऐसा कहा। लेकिन बीरबल दूरदर्शिता रखता था, उसने कहा 4 महीने निकाल दिए तो एक भी नहीं महीना नहीं बचा। एंड ही वॉज प्रूविंग दिस टू राजा अकबर कि यदि चातुर्मास का ये 4 महीने का काल हटा दिया तो एक भी महीना नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तुम्हारी जिंदगी। उसने प्रूव किया कि यदि किसान के लिए 4 महीने हटा दिए जाए तो पृथ्वी भर से अनाज खत्म हो जाएगा, अनाज खत्म हो जाएगा तो मनुष्य खत्म होंगे, मनुष्य खत्म हुए तो कौन मास की गिनती करेगा, कौन करेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि यदि ये 4 महीने के अंदर तुमने आत्म कल्याण, आत्म शुद्धि, आत्म विशुद्धि का कार्य नहीं किया तो बाकी के 8 महीने में तुम चाहे कितना भी करो, डजंट रीप द फ्रूट। तुम्हारे लिए ये 4 महीने नहीं, मतलब साल में कितने महीने रहे? 0। सो 12 - 4 इज इक्वल टू फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स। क्या है चातुर्मास? आज कुछ बातें समझते हैं। हर धर्म परंपरा के अंदर चातुर्मास का की महिमा है, चातुर्मास का एक आयोजन किया जाता है। लेकिन सबसे पहले ये शब्द ही समझो कि चातुर्मास किसे कहते हैं, चातुर्मास किसे कहते हैं। तो पूरे वर्ष भर के अंदर 3 चातुर्मास होते हैं। चातुर्मास यानी बंच ऑफ 4 मंथ्स, और पूरे वर्ष भर में 3 चातुर्मास होंगे। इतना मैं तो यहां पे गड़बड़ मत करना। चातुर्मास यानी क्लस्टर ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीनों का समूह, और पूरे वर्ष भर में ऐसे 3 चातुर्मास आते हैं। पहला शीत चातुर्मास, दूसरा ग्रीष्म चातुर्मास, और तीसरा वर्षा चातुर्मास। इस वर्षा चातुर्मास को ही यूजुअली हम चातुर्मास मानकर आराधना वगैरह की बात करते हैं। शीत चातुर्मास और ग्रीष्म चातुर्मास के अंदर आराधना का आरंभ नहीं होता, कंटिन्यूटी बेशक करो तुम, लेकिन कोई भी आराधना की शुरुआत करनी है तो वर्षा चातुर्मास का जो काल है इसमें होगा। यानी पूरा वर्ष 3 काल में डिवाइडेड है, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षा काल। हर काल में कितने महीने होंगे? 4-4 महीने।
और हर काल में दो दो ऋतुएं होती है। एक ऋतु 2 महीने तक चलती है, ये सब तो स्कूल में भी पढ़ा होगा। सीजन्स कितनी है? 6 है। हर सीजन 2 महीने चलती है। ऑल्दो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड टेम्परेचर चेंज चीजें पलट रही है, फिर भी इतनी नहीं पलटी, इसके आसपास ही घूमेगी। शीतकाल के अंदर 2 ऋतुएं होती है, कौन सी? हेमंत और शीत, ये 2, प्री विंटर और विंटर, शीतकाल में। उसके बाद ग्रीष्म काल आता है, उसके अंदर वापस 2 ऋतुएं होती है, वसंत और ग्रीष्म, गर्मी का टाइम। ये वसंत जो है उसको यहां पर हम स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग और समर्स। उसके बाद वर्षा काल आता है, उसमें वापस 2 ऋतुएं होती है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। इस शरद ऋतु को हम ऑटम कहते हैं, वर्षा को रेनी सीजन। यानी सबके कॉम्प्लीमेंट्री 6 इंग्लिश नाम और सबके 2-2 महीने। लेकिन जिस चातुर्मास आराधना की आज हम बात करने जा रहे हैं वो कौन सा काल है? वर्षा काल। वर्षा काल लगभग जुलाई से शुरू हो जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। चूंकि हम मून कैलेंडर को फॉलो करते हैं इसलिए मून की डेट्स के अकॉर्डिंगली ये होता है, तो लगभग 10 से 20 जुलाई के बीच में कहीं पर भी इसका आरंभ होता है, एंड इट एंड्स अप अकॉर्डिंगली इन 15-20 नवंबर के बीच में। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर आराधना। अगर बीच में ब्रेक आ गया है तो वापस रिस्टार्ट करना है तो किसी भी दिन नहीं कर सकते, इट हैज टू बी डन ड्यूरिंग वर्षा काल चातुर्मास। इस काल के अंदर खास जितने भी धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए साधु, साध्वी, भिक्षु, परिव्राजक, संत, मुनि आदि जितने भी लोग होते हैं या होते थे, वे 4 महीने एक स्थान पर रुककर आराधना करते हैं। क्या कारण है आराधना का? पहली बात, जीव रक्षा, क्योंकि बारिश के समय में इतनी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, रास्ते टूट जाते हैं, पृथ्वी के भीतर के कीड़े वगैरह बाहर आ जाते हैं, इतने सारे जीव जो यूजुअली इनविजिबल होते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने हैबिटेट में होते हैं, वो सभी इस समय बाहर भी आते हैं और नए जीव उत्पन्न होते हैं। तो इन 4 महीनों के लिए मिनिमम ट्रैवल वो लोग करते थे, और आज भी ऐसा नियम है जैन साधुओं के अंदर, अभी भी ऐसा चलता है कि 4 महीने वर्षा काल के अंदर एक ही स्थान पर वो लोग रहेंगे। पहला उद्देश्य जीव रक्षा, और दूसरा उद्देश्य स्व की आराधना। 4 महीने एक जगह पे टिकोगे तो आराधना एक ही जगह पे बार 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 होगी, तो उसमें बल आएगा कि नहीं आएगा? तो स्व की आराधना करते हैं, करवाते हैं और करने वालों की अनुमोदना करते, ये उनका कर्तव्य होता है। क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग कल्प बताए गए हैं, 9 कल्प पुरुष साधुओं के लिए होते हैं और 5 कल्प स्त्री साधु साध्वियां जो होती है उनके लिए होते हैं। कल्प यानी पीरियड्स। साधु जो है यानी जो मेन मेल साधु है उसको 4 महीने तो यहां टिक के रहना है और बाकी 8 महीने में पर मंथ उनको ट्रैवल करना है अलग अलग जगह पे। दे कैनॉट स्टे एट वन प्लेस वंस चातुर्मास इज ओवर। लेकिन जो स्त्री साध्वियां होती है, जो स्त्री ऑस्टेरिटीज में होती है, उनके लिए 5 कल्प बताए हैं, यानी 4 महीने एक जगह पे रहेंगे फिर 2-2 महीने में मूवमेंट करेंगी। स्त्री की क्षमता कम है ना, इसलिए उनके लिए 2-2 मंथ्स में जगह को बदलना उनका आचार था और साधुओं का आचार था। पर मंथ उन्हें अलग अलग जगह जाके देशना देनी है, उपदेश देना है, प्रवचन आदि देना है। स्त्री साधुओं के लिए क्या था? 2-2 महीने, यानी उनके लिए 5 कल्प थे, इनके लिए 9 कल्प। इतने टाइम्स इनको बताए थे। और कार्य क्या है वर्षा काल के चातुर्मास का? मेन जीव दया को करो, और बिकॉज सब कुछ कनेक्टेड है तो जितना तुम बाहर के जीवों के प्रति दया से भरकर कोई आयोजन करोगे तुम्हारी स्वदया अपने आप जागृत होगी। उस स्वदया की भूमि के ऊपर जब भी तुम कोई धर्म आराधना, तप आराधना, संयम आराधना ये सब करोगे तो उसका फल अनेक गुना ज्यादा होता है। तो ये उद्देश्य यही था कि बाहर में जीव के प्रति अहिंसा और भीतर में उस अहिंसा के परिणाम स्वरूप निज शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ना, और हमारा भी यही लक्ष्य है।
चातुर्मास के इस वर्षा काल में आराधना करने से क्या लाभ होते हैं, पहले ये सुन लो, क्योंकि माइंड हमारा प्रॉफिट फोकस्ड होता है हमेशा। फायदा क्या होगा? पहला फायदा, जैसे वर्षा होती है तब सड़क, पेड़ पौधे और पूरी प्रकृति धुल जाती है। ऐसे ही इस काल में इस ग्रह की, इस प्लैनेट की एनर्जीज ही कुछ ऐसी होती है कि इस एनर्जीज में हमारे विकार और विषय आदि धुल जाते हैं। ये पहला लाभ, द एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज सच। पहले भी समझाया था एक बार कि इस काल के अंदर, साधना पद के अंदर, प्लैनेट की, अर्थ की, पृथ्वी की एनर्जी ही कुछ ऐसी है कि अपने आप कुछ आराधना की जाए छोटी मोटी भी, तो अपने विषय विकार आदि धुल जाते हैं, धोने नहीं पड़ते। वो बारिश होती है तो रास्ता धोने को ही निकलता है, पेड़ पौधों को कोई धोने निकलता है नहीं, जब मालिक बरस रहा है तो सबको ही अपने आप धुल जाता है। इस समय भी मालिक की ऊर्जा बरसती है तो विषय विकार मनुष्य के स्वयं धुलते हैं, अगर वो कोई राइट आराधना पद्धति में है। अपने आप नहीं धुलेंगे, आराधना पद्धति चाहिए। दूसरा, वर्षा काल के अंदर नमी अधिक होगी, वातावरण में मॉइस्चर होगा, नमी अधिक होती है, इस कारण से हमारी आंतरिक अग्नि जो है वो भी कम हो जाती है, शांत नहीं होती, शांत हो जाए तो मर जाए, मंद पड़ जाती है, कम हो जाती है। इसलिए संयम, नियम आदि जो कुछ भी, आहार आदि का भी नियम इस चार महीने के अंदर लेने को कहा, वो उसका कोई धार्मिक संबंधी नहीं है, ये शरीर विज्ञान है, मौसम विज्ञान है, इसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है कि ये धार्मिक क्रिया है। इट इज ऑब्वियस, अभी मैं तुम लोगों से बातें कर रही थी ना वहां पर, कि धर्म की सारी बातें ही ऐसी है ना कि इट सीम्स लाइक अ कॉमन सेंस, ऑब्वियस लगना चाहिए तुम्हें। तो इस समय में नमी इतनी ज्यादा होती है वातावरण में, एक तो बारिश के कारण और दूसरा क्लाउडी रहता है तो धूप नहीं निकलती, तो इस वजह से भी जो हमारी इनर डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि वगैरह, वो सब कम हो जाते हैं। तो इस समय में कैसा भोजन वगैरह लेना चाहिए उस पर भी आज हम बात करेंगे। फायदा होता है अगर हम भोजन आहार आदि का संयम करें। तीसरा, वर्षा काल के अंदर पिंड और ब्रह्मांड, पिंड कौन? हम, और ब्रह्मांड यानी सब कुछ, इन दोनों के अंदर, पिंड और ब्रह्मांड दोनों में तमस गुण की प्रधानता होती है। इस समय नेचुरली द एनर्जीज ऑफ प्लैनेट आर सच कि तमस सरफेस हो जाता है, हम सबकी प्रकृति में तमस सरफेस होके ऊपर आ जाता है। प्रकृति में सत्व को बढ़ाने के लिए हमारी प्रकृति में तमस प्रधान ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन इसी हमारी प्रकृति में सत्व को बढ़ाने के लिए मैक्सिमम फेस्टिवल्स इसी टाइम के अंदर बनाए जाते हैं। और वो भी तुम देखो कैसे फेस्टिवल्स, जन्माष्टमी आएगी अभी, धार्मिक फेस्टिवल, यानी तुम्हारे शुभ भाव हमेशा ऊपर रहे, रक्षाबंधन आएगा अभी, भाई बहन के विकार रहित जो भी जितने भी रिलेशंस हैं उसको तुम अभी सेलिब्रेट करो। इन चार महीनों में शादी अलाउड होती है? नो, मैरिज इज नॉट अलाउड। कोई भी विषय विकार को पोषण दे वो कार्य इन वर्षा काल के चातुर्मास में इट इज नॉट अलाउड, कोई कोई वो साया निकलता ही नहीं इस समय। पर्यूषण कब आता है? इन्हीं चार महीनों में, क्योंकि एक्चुअली हमारा तमस प्रधान है, लेकिन तमस प्रधान है बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ प्लैनेट, लेकिन हमें सत्व प्रधानता में लाना है तो कैसे लाएंगे? सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट व्हाट? प्योर, प्योर सेलिब्रेशंस, राइट सेलिब्रेशंस। पर्युषण भी आता है, गणेश चतुर्थी आती है, नवरात्रि आती है, उसमें भी तुम फास्टिंग करते हो, दिवाली आती है, भले अब तुमने दिवाली का कुछ गड़बड़ कर दिया है, लेकिन एक्चुअली तो संयम, आराधना आदि के ही दिन थे वो। किसी को पता हो तो दिवाली में जैनों में हम लोग भी तीन तीन उपवास करते थे, रात भर मंत्र जप करते थे। अब आप लोग नहीं करते हो, लेकिन चार महीने तक हमारी तमस प्रधान प्रकृति को सत्व में रूपांतरित करने के लिए इस ऋषि परंपरा ने सारे सात्विक उत्सवों का आयोजन किया है।
कितनी सुंदर बात है। चातुर्मास यानी वर्षा काल की ये चार महीने, नाम से ही जो इनके नाम है ना हिंदी कैलेंडर में, जो इनके नाम है वो ही बताते हैं कि इन महीनों में करना क्या चाहिए और होना क्या चाहिए। पहला श्रावण, श्रवण के लिए तैयार हो जाओ। श्रावण महीना यानी अभी ये फर्स्ट चातुर्मास का जो पहला महीना है, श्रावण महीना यानी स्व सन्मुख होने के लिए श्रवण करना शुरू कर दो। लिसनिंग लिसनिंग लॉट ऑफ लिसनिंग। दूसरा महीना भाद्रपद, सुनकर भद्र हो जाओ। सुनना किस लिए है तुम्हें? भद्र यानी अंदर से निर्मल कोमल, शुभ भावों में शुद्ध भावों में रहने लगो। भाद्रपद यानी अब तुम्हारा, अभी तक तुम्हारा पद कैसा है? अभद्र। लेकिन श्रवण के बाद तुम्हारा पद क्या होना चाहिए? भद्र यानी सुविचार वाला, अच्छे विचार। उसके बाद आता है आसोज यानी आत्मा में आना, जो अपने आत्मा के अस्तित्व के अंदर अब निकट आने लगे। और चौथा कार्तिक, कार्तिक मास है कता काट डाल, यानी चूंकि अब तुम आत्मिक अस्तित्व के निकट आए तो अशुभ कर्मों को हटाना काटना, ये कार्तिक मास का कार्य था। तो चारों मास जो इस वर्षा काल के चातुर्मास के हैं, उन मास के नाम में ही क्या करना चाहिए वो अंदर गर्भित ही है। श्रावण में श्रवण, भाद्रपद में भद्रता, आसोज में आत्मा में स्थिर होना और कार्तिक में कर्मों को काटना, ये चार महीने हैं। ऐसा ही है, कहा ना, अब अभी सुनने के बाद ऑब्वियस लग रहा है, इट्स सच अ कॉमन सेंस। क्यों इतनी इतने समय से ये परंपरा चली आ रही है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं तुम्हारा लाभ कर ही रही है। चातुर्मास काल में जो आराधना है, इसके चार प्रमुख आधार है, ये लिख दो अश्विन। चातुर्मास काल में आराधना जो भी होती है, चातुर्मास काल कौन सा? वर्षा काल। इसमें जो भी आराधना है उसके चार प्रमुख आधार है। पहला प्रत्याख्यान यानी नियम लेना, प्रतिज्ञा करनी, प्रतिक्रमण। दूसरा यानी अवलोकन और समापना। प्रतिक्रमण में दोनों कार्य होते हैं, अवलोकन भी करना है कि हमने कहाँ क्या गलत किया, क्षमा लेकर आगे भी बढ़ना है, उसमें स्टक नहीं रहना। तीसरा पौषध यानी निवृत्ति। पौषध जैनियों का शब्द है, लेकिन उसी का जब श्रावक के लिए हम यूज करते हैं तो इट टर्न्स आउट एज निवृत्ति, आध्यात्मिक श्रावक के लिए। निवृत्ति के घंटे, निवृत्ति का समय हमारे जीवन में होना चाहिए। और चौथा परोपकार यानी सेवा। प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, पौषध और परोपकार, ये चार प, दान शील तप भावना, चार ये सब चातुर्मास में करना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप की आराधना चातुर्मास में। जितने भी चार मंगल है वो सारे मंगल चातुर्मास वर्षा काल से आरंभ होते हैं। चार मंगल तुम लोग गाते भी हो ना, चारों मंगल चार, सारे मंगल चातुर्मास काल से ही हमारे शुरू होते हैं। अंत कहाँ होंगे? शीतकाल और ग्रीष्मकाल कर्म प्रधान है, उसमें तुम्हें जो भी तुम फील्ड में हो उसके जो भी कर्म है वो तुम्हें करने हैं, तुम्हारे कर्तव्य कर्म। लेकिन ये चार महीने जो है वर्षा काल का जो चातुर्मास है, इस काल के अंदर ये कर्म निवृत्ति प्रधान है, वो वाले कर्म प्रवृत्ति प्रधान। आठ महीने दिए तुम्हें कर्म प्रवृत्ति प्रधान, लेकिन ये चार महीने कर्म निवृत्ति प्रधान। और आज भी राजस्थान आदि जगहों में ऐसे गांव है जहां सब लोग चातुर्मास के चार महीने रहने आ जाते हैं। बॉम्बे में बड़े बड़े व्यापार हैं इन लोगों के, लेकिन चार महीने व्यापार आदि बंद करते हैं, गांव में सबके अपने घर होते हैं और चार महीने के लिए उन घरों में आराधना करने आते हैं। तुम लोग कितने तैयार हो? 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए भी तैयार हो कि नहीं? 8 दिन तो मुझे तुम्हारे पूरे चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मेरा सपना थोड़ा विकराल होगा, विराट होगा,
आठ में से 16 दिन और 16 दिन में से महीना और महीना से 4 महीना होते, तुम्हें पता है देर नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा। सो चातुर्मास के चारों महीने अपने में ही सूचना देते थे कि हर महीने में हमारी प्रकृति किस ओर प्रधान होनी चाहिए। श्रावण श्रवण के लिए, भाद्र विचार के लिए, भद्रता विचार की, आसोज आत्म में स्थिर होने के लिए, और कार्तिक कर्म कट रहे हैं। तुम्हें खुद को लगेगा कि सच में हमारे कर्म बंधन कट रहे हैं, हम हल्के हो रहे हैं।